सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ। अपने धंधे की एक सेइंग है, जहां तीन का तिगड़ा वहां काम बिगड़ा। कौन जा रहा है मुंबई, कैसे हुई गुलशन की मौत, कैसे होगा कहानी का अंत। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म मोगुल के बारे में। मोगुल म्यूजिक सम्राट गुलशन कुमार से इंस्पायर्ड एक अपकमिंग बायोपिक फिल्म है, जिसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान मेन लीड में नजर आने वाले हैं, और इसमें उनकी पत्नी के किरदार में दीपिका पादुकोण नजर आ सकती है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में गुलशन यानी आमिर खान अपना कैसेट का बिजनेस शुरू कर देता है, जिसमें उसकी पत्नी सुदेशा यानी दीपिका पादुकोण उसका साथ देती है। दिल्ली में गुलशन का बिजनेस फेमस हो जाता है। कई साल बाद रमेश यानी महेश मंजरेकर का फोन आता है, जिसके बाद सुदेशा गुलशन को मुंबई में अपना बिजनेस शिफ्ट करने का आइडिया देती है। गुलशन को सुदेशा का आइडिया पसंद आता है, लेकिन अब भी उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो अपना बिजनेस मुंबई में शिफ्ट कर सके। गुलशन अपनी दुकान बेच देता है और उसके बदले में जितने भी पैसे मिलते हैं उनसे मुंबई में अपना बिजनेस खड़ा करने का सोचता है। दोनों पति पत्नी मुंबई आते हैं। मुंबई की महंगाई की मार दोनों पर पड़ती है। गुलशन अपनी एक छोटी सी दुकान शुरू करता है। एक दिन रमेश उसकी दुकान के सामने से होकर गुजरता है और उसे पहचान लेता है। अरे गुलशन, तुम यहाँ? गुलशन रमेश को बताता है कि उसने मुंबई में अपना सुपर कैसेट्स का बिजनेस शुरू किया है। रमेश ये सुनकर खुश होता है और कहता है, अच्छा किया, कोई जरूरत हो तो बताना और कभी घर आना। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। धीरे धीरे गुलशन अपनी कैसेट्स का दाम बढ़ाने लगता है, लेकिन अब भी उसकी कैसेट्स का दाम बाकी लोगों से काफी कम रहता है। गुलशन शाम को घर आता है। सुदेशा गुलशन से कहती है, क्यों ना आप अपनी कैसेट्स की क्वालिटी बढ़ाकर इतना ही दाम रखें, ऐसा करने से लोग ज्यादा आएंगे। गुलशन को सुदेशा की बात सही लगती है और वो क्वालिटी पर काम करने लगता है। धीरे धीरे गुलशन प्योर कैसेट्स मार्केट में फेमस हो जाता है। सुदेशा कहती है, अब परेशान मत होइए। आखिरकार गुलशन इन सब से मन हटाकर अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगता है और जल्द ही बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म बनाता है। इस फिल्म के गाने पूरे इंडिया में ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। अगले सीन में रमेश, जिसकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, वो एक जॉब के लिए दर बदर भटकता रहता है। एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है। उन सबका बिजनेस भी गुलशन की वजह से अफेक्ट हुआ है। एक दोस्त पूछता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? रमेश कहता है, अब वो होगा जो गुलशन को मरने के बाद भी याद रहेगा। अगले दिन गुलशन सुबह उठता है और घर से निकलने ही वाला होता है कि सुदेशा उससे कहती है, आज कहीं बाहर मत जाइए, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं मंदिर से हुआ, फिर तुम्हारे साथ रहूंगा आज पूरा दिन। ऐसा कहकर गुलशन मंदिर के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी गाड़ी से मंदिर के सामने उतरता है, तब चारों तरफ से फायरिंग होने लगती है। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच जाती है और मौके पर ही गुलशन की मौत हो जाती है। पूरे देश में गुलशन कुमार के मौत की खबर फैल जाती है। ऐसा करते करते 24 साल बीत जाते हैं। अब भी गुलशन का परिवार उसके न्याय के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। कई साल की जांच और शूटर्स के बयान में यह सामने आता है कि रमेश और इंडस्ट्री के उसके कुछ दोस्तों ने गुलशन का मर्डर करवाया था। फिर कहानी अपने प्रेजेंट में आती है, जहां रमेश हॉस्पिटल में एडमिट होकर राइटर राधिका कपूर यानी ऋचा चड्ढा को सब बताता है। ऋचा ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ दिनों में गुलशन मर्डर केस से जुड़े सभी मुजरिमों की आखिरी पेशी होनी है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, और क्या मोगुल बनेगी सुपरहिट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।